सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों का प्री बोर्ड होता है क्लास 10th और 12th का, क्या आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है या उसे हल्के मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में आप पूरी तरीके से लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, कुछ आपको मैं टिप्स भी दूंगा ताकि आप लोग अपने बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इसको करें, ठीक है, तो और अपनी गलतियों को सुधारें। जैसे प्री बोर्ड होता है, इसका मेन मकसद ये था कि आपको रूबरू कराना कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, कि कैसा आता है, क्या पैटर्न होता है प्री बोर्ड का, उसे पूरी तरीके से आप लोगों को रूबरू करवाना। तो जैसे आप लोग युद्ध में जाने से पहले आप लोग सब लोग चेक करता कि मेरा अस्त्र शस्त्र सही है कि नहीं, उसी प्रकार ये जो प्री बोर्ड आपका होगा तो आपको आप कितने तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए और कितना कंसंट्रेट हैं उसको पूरी आपको जज करेगा। यानी बेसिकली लड़ाई से पहले आपको एक मॉक टेस्ट की तरह होता है कि आप कितने सक्रिय हैं और आप जो एग्ज़ाम देंगे कितना से कितना स्कोर कर सकते हैं। तो पहला सजेशन यही है कि आप लोग इसे बिल्कुल हल्के में ना लें, ठीक है, हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि प्री बोर्ड जो होता है सेम पैटर्न पर होता है। कोई भी स्कूल है वो नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे का कम से कम नंबर आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए, इसलिए आपको पहले से तैयार करवाते हैं कि बोर्ड प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिलवाते हैं, ठीक है। इसका जितना भी पहले दूसरी बात ये है कि इसमें जितना नंबर आएगा वो आपको वही बताएगा कि आपका कितना से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जितना नंबर आया वो उसी के आसपास उससे 10 से 5% ही आपका इंक्रीमेंट होगा, यानी जितना भी इंक्रीमेंट होगा 10 से 5% होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं इंक्रीमेंट होगा। तीसरी बात हम कर लेते हैं, तो हम आगे वाले तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का पेपर मिस नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि 2-3 पेपर देख करते हैं, ठीक है, मुझे पैटर्न पता चल गया, उसके बाद अब मैं अगला वाला एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करें। बहुत से बच्चे भी कहते हैं कि चलिए बाद में इसको क्या दूँ, मैं डायरेक्ट बोर्ड ही दूंगा, उसकी पूरी तैयारी मुझे करना है, जाकर वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। एक्चुअल में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि आपको सुधार होगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ टिप्स भी जान लीजिए कि क्या क्या टिप्स आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो पहली टिप्स यही है कि आप अपनी मिस्टेक को चेक करें, यानी क्या गलती कर रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, जितनी भी गलती हो रही है चेक करें कि क्यों और कैसे गलत हो रही है, ठीक है, क्यों और कैसे पर फोकस करेंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें और उसको उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें और लिख कर रिटेन में रिवाइज करेंगे तो उतना ही आप लोगों का फायदा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा एक क्लास सेक्शन का चल रहा है, क्लास 10th और 12th का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप लोग उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप मेरे चैनल पर विजिट करके क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 10th के लिए लॉन्च है। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि 12th के लिए भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम आए। अगर आप लोग हमारे चैनल को यहाँ तक आ जाए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये लास्ट वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।